स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो रही है और हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सब अंदर तैयार हो के आ रहे हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट, देखिए कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ना अपने आप में एक अपना इतिहास जो है ना वो रखता है और बड़ी तारीफ़ें बहुत सारे लोगों के उससे सुना मैंने कि चाइना की वॉल अंतरिक्ष से दिखती है। ये चाइना की वॉल जब बनी नहीं थी ना उससे पहले ये कुंभलगढ़ फोर्ट बना हुआ था, तभी अंतरिक्ष से दिखना चाहिए था। यानी कि हमने फर्स्ट अपनी जो है ना इतनी लंबी पहाड़ों के ऊपर दीवार बनाई, इतनी बड़ी श्रृंखला बनाई जो एक इतिहास है, अपने आप में इतिहास है। दुनिया कहती है 8 अजूबे। 8 अजूबों में हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने अजूबे हैं। अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र को देखोगे ना तो आपको हर चीज़ हर बार नई नज़र आई है। मतलब आपको ये लगेगा कि नहीं, जो मेरे देश में बना वो शायद कोई और कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। अब ठीक है, जैसी मान्यता है उनको स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु मैं कहता हूँ मेरा देश में, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। आज मौसम यहाँ तो ठीक है, मारवाड़ जंक्शन में इस वक्त मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, मारवाड़ जंक्शन में गांव में। यहाँ से निकलूँगा तो अभी सब बच्चे आएंगे, तैयार होंगे, लगभग 2 घंटे 29 मिनट डिस्टेंस यहाँ से 106 किलोमीटर का बता रहा हूँ। तो जैसा जैसा रास्ते में होता जाएगा वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे। देखिए क्या होता है कि मैं यहाँ आया था 11 तारीख को, हमने राखी मनाई। राखी वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, राखी वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक बटन में शेयर कर रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखें। और उसके बाद जो है ना हम अपना ट्रैवल प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। होता ये कि हम कल, जैसे पिछले व्लॉग में आपने दिखा होगा, हम जा कहाँ रहे थे और पहुँच कहाँ गए, हमें खुद पता नहीं होता कि आसपास में इतना सुंदर क्षेत्र है और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अगर रिस्क हमारे को 1% भी लगता है ना कि वहाँ खतरा है तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हम सेंचुरी की तरफ गए थे। कल हम लोग वहाँ पर नहीं गए, भीलबेरी में, भीलबेरी वाटरफॉल जाना था। वहाँ जो वनपाल थे, वन रक्षक, जो वहाँ पुलिस होती है, टूरिस्ट पुलिस कहलाती है या फॉरेस्ट पुलिस कहलाती है, उन्होंने हमारे को आगाह कर दिया और मना कर दिया कि ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने सोचा कि क्यों रिस्क लेना, वापस गाड़ी घुमाई तो हम पहले गए फुलाट डैम और उसके बाद भिक्षुक समाधि गए, वहाँ बड़ा अच्छा लगा। तो हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, इस ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में जानकारी दे सकते, जितनी हमें जानकारी मिलेगी वो हम आपको सर्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा, बुलाता हूँ सभी को, सभी बैठते हैं। जीजा जी भी हैं, मेरी सिस्टर छोटी वाली भी है और दोनों बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, दोनों बच्चे हैं। तो 8 जने हम आर्टिका में आराम से कम्फर्टेबली बैठ के जा रहे हैं। बच्चे दोनों बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है, पीछे बैठ जाए। हमने उसे 10 बार कहा कि अगर तुम्हारे को तकलीफ है तो हम दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, बोले नहीं हम इसमें ही कंफर्टेबल हैं। तो अर्टिगा की बात तो माननी पड़ेगी, कंप्लीट करती है हर गाड़ी से, हर तरह से। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। जी हम पहुंच गए हैं अब पाली। अब पाली में जो ये रास्ता है ना, इधर वापस इस तरफ जाएंगे, ये पाली अजमेर हाईवे है ये वाला। अब अगर इस तरफ जाएंगे तो सांडेरा होते फालना और इस तरफ जाएंगे तो हम अजमेर की ओर। तो अभी हमारे को कहाँ चलना है, फालना, फालना होते हुए कुंभलगढ़ की तरफ जाएंगे, फालना रणकपुर सब दिखाएंगे आज, इधर से ही चलते हैं। चलिए बाईपास लेन जो है ना उससे अपन गुजर रहे हैं, अब यहाँ से सीधे चलते चलते सीधे हाईवे में मर जाएंगे और आपको रोड जो मिलेगा ना, राजस्थान के रोड तो साहब कमाल है, कमाल।
जी लीजिए, हमारी यात्रा अब शुरू हो गई। हम यहाँ से कुंभलगढ़ की ओर रवाना हुए। हमने रास्ता कौन सा लिया? हमने रास्ता लिया, हम पहले मारवाड़ से निकले, खैरवा पहुँचे, खैरवा से फिर पाली, जो कि एक रूरल एरिया इलाका है, पूरा इलाका जो है वो विलेज इलाका है। और वहाँ से हम पाली पहुँचने के बाद हमारे को बहुत अच्छी रोड मिली। हम वहाँ से पाली, फालना, वहाँ से रणकपुर, रणकपुर से जो आगे का सीनिक व्यू देखने को मिला हमें कुंभलगढ़ तक, वो वाकई में बहुत लाजवाब था। वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ जो है ना, एक अभेद दुर्ग था, जो इतिहास के बारे में मैं उस समय जल्दबाजी में ना बता सका उनको बुलाने के चक्कर में, बच्चों को बुलाने के चक्कर में। ये एक अभेद किला था जिसको कोई भेद भी नहीं पाया। और उसके बाद इसमें एक जो वॉल है वो 15 से 20 फिट चौड़ी है, जिसमें 8 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। और ये पहली वो दीवार है जो सैटेलाइट से देखी जा सकती थी। अगर चाइना वॉल नहीं बनी होती, ये चाइना वॉल से पहले बनी हुई थी, चाइना वॉल ना बनती तो ये वॉल ऑफ चाइना को भी मात करती। आज भी ये सैटेलाइट से दिखाई देती है। चाइना वॉल के बाद इसका सेकंड पोजीशन है वर्ल्ड में, जिसको आप आसानी से अंतरिक्ष से भी देख सकते हो। तो ये है हमारे कुंभलगढ़ की महिमा। और रास्तों का तो कहना ही क्या, रास्ते इतने हरे भरे थे। जहाँ हमने जो वन क्षेत्र की राइड ली, जो हमने वहाँ ट्रैवल किया, तो हमारे को वहाँ पे ऐसी ऐसी चढ़ाई मिली जो एकदम स्टीप थी, जो कि कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रही थी, पर हाँ अगर आप देखोगे ना कि साइड से गाड़ियाँ उतर रही थी जब, तो वो कितनी ऊपर से आ रही थी और किस लेवल पे है, कैमरे का एंगल अगर आप देखोगे ना तो आपको कहीं तो सड़क ऊपर की ओर जाती हुई दिखेगी, पर वो फ्लैट नज़र आएगी, सीधी आँखों से तो फ्लैट नज़र आएगी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा रास्ता था, मैं रिकमेंड करूँगा आप आएँ, एक बार घूमने ज़रूर आएँ। और विशेषकर दिवाली के समय जब छुट्टियां होती हैं, या आपको कभी विंटर में जैसे ब्रेक मिले, तब जरूर विजिट करें राजस्थान को, इस जगह को, इस खूबसूरत जगह। कुंभलगढ़ तो काफी दूर है यहाँ से। ये है घाट सेक्शन पूरा है ना? हाँ, ये 35 किलोमीटर है, अभी 1 घंटा 9 मिनट बता रहा है। 1 घंटा अपने को यही रास्ता दिखेंगे और डीप जंगल मिलेगा आगे। टूरिस्ट बस भी आ रही है, टूरिस्ट भी आते हैं यहीं से। कुंभलगढ़ से एक रोड हल्दीघाटी नाथद्वारा जी चला जाता है। अभी नया बाईपास बना है, वहाँ भी बहुत डिमांड है जमीन की। अपन वहाँ गए थे काठगढ़ वाले, उस पर वहाँ भी ऐसी था, वहाँ भी सही दीवार पे काई जमी हुई थी। ये आया है रणकपुर जैन टेम्पल, ये सामने पानी देख रहे हो, नदी है। हाँ नदी है, नहाना है? नहीं, थैंक यू। यहाँ से एक वो रास्ता भी तो जाता है ना, वो क्या नाम है उस जगह का, परशुराम महादेव के लिए, वो अलग जगह है, वो इधर से जाता है। नहीं नहीं, वो अपन सादड़ी से इधर मुड़े थे, यहाँ से झंडे लिए थे, उससे 10 कदम आगे। पर जब अपन लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे रणकपुर जी, तब यहाँ नहीं था ये ना पानी, तब तो सूखा था, यहाँ अंदर आए। पिछली बार अपन यही आके गए थे, कुंभलगढ़ नहीं गए थे। चालू है, पूरा दिखा रहा हूँ मैं आप सभी दर्शकों को, कहना ये कितना सुंदर और सीनिक है, और सबकी बातें सुनी जा रही है, रिकॉर्ड हुई है।
हम वहाँ पहुँचेंगे, व्लॉग एडिट करेंगे तब ये सारी बातें। कपड़े लेके आए, नहाना चाहो तो देखो नहा सकते हैं अपन। हाँ वापसी में ना, और आज हम कपड़े लेके नहीं आए, कपड़े लेके कल गए थे। मम्मी कहती है इतनी जल्दी जल्दी कपड़े भरे इन लोगों ने। मम्मी क्या कह रही थी, क्या हुआ, यूज नहीं किए वापस आ गए। ये एडवेंचर पार्क है। आप में से जो भी लोग इस रास्ते पर नहीं आए ना, एक बार आ जाना, शिमला मनाली सब भूल जाओगे। ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। ये देखो कितने लोग कितने दूर दूर से पैदल यात्रा कर रहे हैं और कितना गाड़ियों पे भी जा रहे हैं। हाँ अभी बाबा जा रहे हैं, बाबा रामदेव का नहीं, अब यहाँ नेट गया, यहाँ नेट नहीं मिलेगा आपको। जियो का होगा तो हो सकता है। भैंसे ना रही है, क्या भैंसे घुसी हुई है, मजे कर रही है, मजे की लाइफ तो इनकी है, रोज के रोज स्विमिंग पूल में घुसती है। ताली मोटी भैंसे, इसको गुजराती में कैसे कहते हैं, भैंसिया नहीं मज्जानू लाइफ। हाँ मज्जानू लाइफ, मज्जानी लाइफ, मज्जानी लाइफ, खाबानू पीबानू सो जाना, क्या बोलते हैं, मज्जा नहीं, सो जानी नहीं, वो शॉट मारने से बोलता था भाई वाला। हाँ। खाबा नू पीबा नू मज्जा नहीं, यार कितने डीप स्लोप्स हैं। रोलर कोस्टर चल रहा है, पूरे रोलर कोस्टर राइड है। ग्रीन ये कभी भी यहाँ कभी भी नहीं ऐसा होता, यहाँ कभी सूखा नहीं होता, 12 महीने हरियाली है। ये राजस्थान का शिमला है, वन्य जीव अभयारण्य कुंभलगढ़। वो देखो कितना डीप है, कैमरे में जस्टिफाई नहीं होगा। ये कितनी पड़ी ऐसा ब्लाइंड कर तो माउंट आबू में भी है, वहाँ के भी सारी ऐसे स्पेस नहीं है, और करेंगे तो यहाँ का सारा खत्म हो जाएगा, पेड़ वेड़ सब कट जाएंगे, तो जहाँ क्या जगह है इतना रॉ में बजाय। कोई जानवर दिख जाए बता। वो भालू कहाँ दिखते हैं दीदी, जो आप कह रहे हैं ये उदयपुर जिला लग गया। अब ये वाला ये अच्छा है, ये नदियाँ सब यहाँ भी पानी बह रहा है, नदी है नीचे। वो लंगूर ही लंगूर, जय माता दी, हेलो। से अपन 10 पहाड़ क्रॉस करेंगे, 10 पहाड़ क्रॉस करके वहाँ पहुँचेंगे कुंभलगढ़ को, इसलिए तो कोई जीत ही नहीं पाया, जाओगे कहाँ से। और यहाँ पर वो फीलगरा से जो होते थे वो तीर कमल लेके बैठे रहते थे, आज हम जीतेंगे कुंभलगढ़। माइंड फ्रेश हो जाता है जी, जगह आके we'll be right back.
ये ट्रक उल्टा पड़ा है देखो। बाप रे उसकी गाड़ी पे लटक गए। अरे बाबा देखो देखो, अरे बाप रे पूरे जाके उसी के ऊपर ही बैठ गए। अरे बाप रे एकदम से डर लगता है इन लोगों से, इस तरह से आ जाते हैं। अभी तो झरने नहीं आए हैं, यहाँ तो झरने भी दिखेंगे। रहट गुल्लू और बिल्कुल रहट वाली जगह देखनी है, चार पांच रहट मिलेंगे रास्ते में। अपना क्या है ये, कौन सा रावलीज है ना, ये पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वत है। हम इन लंगूरों के घर में घूम रहे हैं, हम इन लोगों के घर में आए हैं, ये भी देख रहे हैं कि क्या कौन आ गया हमारे यहाँ। ये देखो कितने दूर से आ रहे हैं ये लोग, देखो ये कहाँ से, उदयपुर वाले लोग होंगे ना। ये तो पूरे जंगल है ना, और इसी जंगल में से लोग जा रहे हैं। ये देखो ये पानी मिलना शुरू हुआ सड़क पे, आए झरने आने शुरू हो गया, वाटर क्रॉसिंग ऐसे हमारे राजस्थान की वाटर क्रॉसिंग जो कि कहाँ मिलती है, लद्दाख में और पता नहीं कहाँ कहाँ। पर ये ऑन रोड है, वहाँ रोड नहीं है, यहाँ पूरी रोड्स बनी हुई है, प्रॉपर रोड है। रोड है, नैरो है, काफी नैरो है, पहाड़ पे बनी हुई है ना, कितनी ऊंचाई है, 10 पहाड़ क्रॉस करके हम जा रहे हैं। पहाड़ भी देखो क्या मस्त है, भगवान ने कितना क्या कैसे कैसे बना रखा है। पहाड़ों में चढ़े थे, पहाड़ों में उतर रहे हैं, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे दिख रहे ना, मतलब अभी ऐसे लग रही ना बन के यहाँ से लोग फोटोग्राफी खड़ा हुआ बना रखे हैं, खड़े हुए ना, पर ये गलत रास्ते में रुक के खड़े हुए, आगे रोक लीजिए। देखो पैदल भी जा रहे हैं लोग, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क आ गया, सुनिए वो ध्यान रखिएगा रहट वाली। अरे 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 ध्यान, लैंडस्लाइड, ये देखो सही पीछे बाबा कारे कारे जा रहे हैं, कौन सी कारे पीछे लो धीरे धीरे, हाँ तो उसको और पीछे करें, वो और पीछे भी है, कोई बात नहीं धीरे धीरे ले लो, आगे बिल्कुल ब्लॉक है रास्ता, आराम से पहाड़ गिरा है, लैंडस्लाइड इसी को कहते हैं, मैंने पहली बार देखा है लैंडस्लाइड। वो कितना बड़ा झरना है, ये बहता होगा कितना प्यारा लगता होगा। अभी वो जगह आएगी जहाँ पर वाटरफॉल मिलेगी, आ गई हाथी वाली जगह, वहाँ वाटरफॉल नीचे से पानी निकलता है।
चलिए आगे का रास्ता दिखाता हूँ, आगे देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आगे बढ़ें, पर जाम में आगे बढ़ना हो ही नहीं पा रहा। करीबन 3 घंटे से इस जाम में हम रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो अब है ना, हमारे को लगता है सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। टर्न भी नहीं कर सकते जब वापस लौट, यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो ये स्थिति हो गई है कि यहाँ के होटल वालों ने सारे रास्ते अपने खुद के दरवाजे ही बंद कर दिए, पार्किंग तक बंद कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाते हैं, पर आपको मैं जाम दिखाता हूँ, सारा रास्ता बंद, कुंभलगढ़ फोर्ट बंद। अब है ना, अपने को वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। वेट करने का सार नजर नहीं आ रहा है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। देखो जी, आगे तक जाम है, दूर दूर तक जाम है, यहाँ तक कि बाहर निकलने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जाम नजर आ रहा है। बेहतर यही है कि अब वापस चला जाए कुंभलगढ़, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो विजिट करेंगे। ये जो सामने आप गंगा गोवर्धन म्यूजियम देख रहे हैं, ये एक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने माता पिता के नाम पर म्यूजियम डाला है। ये निजी संपत्ति है, यहाँ ये गवर्नमेंट का नहीं है, इसे आप गवर्नमेंट का ना समझें। यहाँ एक एंट्री फीस है, और दूसरा फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा कॉइन कलेक्शन है, एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का कलेक्शन है, पुराने प्राचीन हथियारों का कलेक्शन है, और साथ ही साथ प्राचीन वस्तुओं का कलेक्शन है। हम अंदर कैमरा नहीं ले जा पाए, क्योंकि हमारे को ये डाउट था कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। जब हम घूम फिर के आ गए और सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि हमने बाहर खड़े होकर बोल भी दिया कि ये कैमरा अलाउ नहीं है, तब वो पीछे से आके उन्होंने, राजू जी ने बताया कि कैमरा अलाउ है, उसके चार्जेस हैं, तो अगली बार हम जब आएंगे कैमरा ज़रूर लेके जाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत दिलकश जगह है। यहाँ पर आने के बाद एक एक चीज़ को ढंग से देखने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, म्यूज़ियम की विज़िट तो हमने कर ली, और म्यूज़ियम में कैमरा अलाउ नहीं है, अंदर हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, तो हमारे को मना कर दिया गया। और उसके बाद जो डिटेल्स थी वो वहाँ के जो कर्मचारी हैं राजू जी, उन्होंने सारी बता दी। तो अगली बार जब आप आएँ तो इसका विज़िट ज़रूर करिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सीनिक व्यूज़ हैं। और जब आप स्पेशली देसूरी से आएंगे, फालना देसूरी रूट से, मैं रिकमेंड करूंगा उस रास्ते को। थोड़ा बहुत पैच खराब है, धीमे चलाइएगा अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चलाना जानते हैं, अन्यथा तभी आप, अन्यथा एक बड़ा नुकसान सामने हो सकता है। दोस्तों, यहाँ से लौटने का समय हो गया, बड़े भरी मन से हमें लौटना पड़ रहा है। 2 इंसिडेंट हमारे साथ नेगेटिव हुए। पहला, हम जब यहाँ तक पहुँचे, वो 3 घंटे का जो जाम था वो हमारे लिए सरदर्दी बन गया। सैटरडे संडे वीकेंड पे इतने लोग आते हैं यहाँ गुजरात से, इतने लोग आते हैं और इतना मज़ा करते हैं ना, कि हमारी भी इच्छा हो गई कि हम उनके साथ यहाँ एक दिन स्टे कर ले, पर वो संभव नहीं था, क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त है और जो हमारे को स्कूल में फंक्शन करना है वो शायद आपको भी दिखाएंगे हम, उसके लिए हमें वापस लौटना पड़ा। अब देखने वाली बात यहाँ ये थी कि एक नेगेटिव इंसिडेंट तो हुआ कि हम वहाँ ऊपर जा ना पाए, एंट्री बंद हो गई। दूसरा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि हमारे जितने भी कैमरे की जो मेमोरी थी, एक्स्ट्रा मेमोरी तक हम जो साथ लाए थे, वो हो गई थी फुल।
स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं बची। अब जो है ना बच्चों के पास जो फोन थे उनमें जितनी मेमोरी थी बेचारों ने, उन बच्चों ने जो जो साइड से रिकॉर्ड किया ना वो हमने शूट किया, उसका भी आनंद लीजिए। साइड से देखने में बड़ा मज़ा आया, आपको भी आएगा, मेरे को तो बहुत आया। और इतनी सुंदर सुंदर बांध और वो हरियाली, खेत, वहाँ लगे सब्जियाँ, साथ ही वो गन्ने के और मूंग के तिल के खेत नज़र जो आ रहे थे ना, बाजरे के खेत जो नज़र आ रहे थे ना, वो वाकई में एक मनमोहक सा दृश्य था। वो वाकई में सबको आकर्षित करता है। हम वहाँ थोड़ी देर बांध पे रुके भी, हमने वहाँ बांध पर मज़े भी लिए, पर क्योंकि हम फुलाड डैम जाके आ चुके थे इसलिए हम वहाँ ज़्यादा ना रुक सके। और रात का समय अलग था, क्यों? क्योंकि वो सेंचुरी थी, वहाँ रुकना खतरे से खाली था। तो हम फटाफट गाड़ी में बैठे और अगले रास्ते से यानी कि चार भुजा जी से हम होते हुए देसूरी पहुंचे। कुंभलगढ़ से गोमती वाला रास्ता पकड़ के चार भुजा के ऊपर एक कट आता है जो घाट सेक्शन से आता है। चार भुजा जी से हम देसूरी, फालना, और फालना से फिर हम पहुंचे रात में पाली। वहां पे हमने एक रेस्टोरेंट में रात को खाना खाया और फिर उसके बाद सीधे हम घर पहुंच गए, जिसका आनंद ही कुछ और था।